हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम कवर करने जा रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो प्लेइंग 11 हो सकती है या फिर ड्रीम टीम के बारे में और हाला प्ले के बारे में, कौन से स्टैट्स आपको ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही साथ में इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना तो ही आपको फ़ायदा होगा, 110% होगा। तो देखते हैं, और एक चीज़ है जहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर कोई भी आगे की टीम के बारे में अगर वीडियो नहीं आती है तो लेकिन आपको की प्लेयर्स के बारे में पता चल जाएगा, और साथ ही साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शंस भी, जो आपको हेल्प करेंगे मल्टीपल लीग्स में ज्वाइन होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रख सकती है एक टीम बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड ओडीआई का टूर सेकेंड ओडीआई मैच होने वाला है सैटरडे को जून 16 10 AM के आसपास होगा। आई मीन ग्लोबली होने वाला है, तो इंडिया में आप देख लेना कौन से टाइम पे आता है, और वेन्यू रहेंगे सोफिया गार्डन कैडरिफ। तो और यहाँ पे पिच कंडीशन की बात कर ले तो यहाँ पे न्यूट्रल पिच होने वाली है, तो बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को हेल्प हो सकती है। यहाँ पे अभी तक टोटल मैचेस के बारे में बात कर ले तो 23 मैचेस हुए, बैटिंग जो टीम फर्स्ट बैटिंग की है 5 बार जीती है, जो सेकेंड टाइम बैटिंग की है आई मीन बॉलिंग की है, फर्स्ट टाइम बॉलिंग की है तो उनको 14 बार जीती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टैट्स हो सकता है बैटिंग जो करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर बनने के चांसेस, फर्स्ट इनिंग में 222 हुआ है एवरेज, सेकेंड ओवर में 21 सेकेंड इनिंग्स में 212 हुआ है। हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड है यहाँ का 331 का, और फिर यहाँ से लोएस्ट रिकॉर्ड है यहाँ पे 138 का। हाईएस्ट स्कोर चेज हो गया 304 का, और यहाँ से डिफेंड हो गया 169 का। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ से आपको पता चल सकता है कितना एवरेज स्कोर बन सकता है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के बारे में, तो आप यहाँ पे इंग्लैंड और स्क्वाड इंग्लैंड का भी है और ऑस्ट्रेलिया का भी स्क्वाड है, तो आप एक बार रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे हेड टू हेड के बारे में बात कर लेते हो तो यहाँ पे टोटल मैचेज हुआ है 138 का, इंग्लैंड जीती है 53 टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया जीती है 80 टाइम्स। तो देखते लेकिन यहाँ से पाँच छः मैचेज से क्या हो रहा है, सेम यहाँ पे इंग्लैंड जीत रही है फेवर में ज़्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार भी नहीं जीता अभी रिसेंट मैचेस में। तो एक कमबैक हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, किसी ना किसी को तो अच्छी खासी पारी खेलनी पड़ेगी, तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो ही एक बड़ा स्कोर बन सकता है, तो इंग्लैंड को थोड़ा और बॉलिंग में भी थोड़ा अच्छा खासा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको प्रोवाइड करता ही हूँ, तो आप एक बार रीड करना चाहो तो आप रीड कर लो। पहले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर यहाँ से हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन की तरफ से और इंग्लैंड के बॉलर्स, तो कौन से बॉलर्स और कौन से बैट्समैन हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो अब। तो चलिए, आपने होप कि आपने दो सारी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा कि कौन से कितने पाँच मैचेस से कौन से प्लेयर ने अच्छे खासी परफॉर्मेंस दी है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी कौन से की प्लेयर्स के हिसाब से आपको यहाँ पे लिंक करना होगा, कौन से प्लेयर्स को पिक करना होगा, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं टॉप न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से कौन से प्लेयर खेलते हुए नज़र आएंगे, वो मेरे हिसाब से लास्ट गेम जीता है, और साथ ही साथ में ODI रैंकिंग्स में नंबर 1 पोजीशन पर इंग्लैंड, तो और लास्ट गेम जीत के भी आए, तो मेरे हिसाब से हम कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और साथ ही साथ में उनके स्पिन बॉलर्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया लास्ट गेम में, तो होप कि आगे भी उनको हेल्प मिलती रहे स्पिन बॉलर्स से। और यहाँ से जेसन रॉय ने लास्ट फ्यू मैचेस से कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है कि इस मैच में उनको ड्रॉप किया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से उनको रिटेन किया जाएगा, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, और हो सकता है कि आज कल का दिन उनका ही हो और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे के भी जा सकते हैं। तो आप इन्हें एक टीम में ज़रूर पिक करना, हो सकता है कि परफॉर्मेंस दे जाए अपनी। जॉनी बेस्टो बहुत ही अच्छे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी, लास्ट को कुछ गेम है लास्ट गेम में नहीं दे पाए, लेकिन होप चांसेस हैं उनके रिटेन होने के, तो ये खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। बेंच स्टॉक्स और क्रिस वोक्स के अभी तक कोई इंजरी से फिट होते हुए नज़र नहीं आए अभी तक, तो मोस्टली वो आपको नज़र नहीं आएंगे खेलते हुए। अब बात कर लेते हैं यहाँ से टॉप ऑर्डर, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया फिर भी उनको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा टॉप ऑर्डर में। अब बात कर लेते हैं ओपनर्स कौन कौन है, जेसन रॉय है, जोनी बेस्ट्रॉफ है, फिर यहाँ से फास्ट बॉलर्स में आपको मिल जाएंगे लैम पैंक्वेट है, बिल्ली है, फिर यहाँ से मार्कवुड है, यहाँ से स्पिन गेंदबाज में मिल जाएंगे मोहन अली, अल्द्राशिद और जो रूट, तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है, तो आप इनमें से पिक कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक अपना बात कर लेते 15 मेंबर्स का स्क्वाड ऊपर दे दिया मैंने, तो आप जाके एक बार देख सकते हो, उन्होंने पब्लिश कर दिया है, तो
अब बात कर लेते लास्ट गेम जो हार के आई है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से प्लेइंग इलेवन वही रखेगी, सेम रखेंगे। और अच्छी खासी न्यूज़ है कि जहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी, वापसी कर ली है अभी, तो होप कि इस मैच में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दें। और बॉलर्स में से उन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था निसर ने, तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देंगे तो ये मेरे हिसाब से रिटेन हो जाएंगे। ऐसे हम बात कर लेते हैं टीम जो आपको विकेट कीपिंग में दिख देंगे और साथ ही साथ में लीड कर रहे हैं इस टीम को। अब बात कर लेते हैं ओपनर में से ट्रैविस हेड है और एरन फिंच, आपको दोनों भी नज़र आ जाएंगे खेलते हुए। मार्कस स्टोन फास्ट बॉलर्स में मार्कस स्टोनिस है, केन रिचार्डसन है, फिर यहाँ से बेन स्टैनकेट है, फिर एंड्रू ट्राई और सम, तो ये सारे ऑप्शन जो आप इनमें से आप पिक कर सकते हो। स्पिन गेंदबाज में यहाँ से एश्टन अगर है, फिर गेन मैक्सवेल है, फिर ट्रेविस हेड है और एरन फिंच है, तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप इनमें से आप पिक कर सकते हो स्पिन बॉलर्स में। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्रोबेबल 11 के बारे में, तो यहाँ आपको कोचिंग देंगे जेसन रॉय, जॉनी बेस्ट्रॉफ, एलेक्स हेल्स, जो रूट, ई मॉर्गन, फिर यहाँ से जोस बटलर, फिर यहाँ से मोहन अली, लैम पेंकुविड, अलिद राशिद, डेविड विल्ली और मार्कवुड, तो ये सारे ऑप्शन प्लेइंग 11 के आपको नजर आ जाएंगे, तो आप इनमें से आप पिक कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हम बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड, एरन फिंच, मार्कस स्टोनिस, शॉन मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, टीम आपको नजर आ जाएंगे कीपर और कैप्टेंसी करते हुए एश्टन एगर, माइकल निसर, फिर एंड्रू ट्राई, फिर केन रिचार्डसन और बेन स्टैनकेट, तो ये सारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रोबेबल 11 मेरे हिसाब से। अब बात कर लेते हैं की प्लेयर्स के बारे में, जैसे कि मैं आपको हर गेम में देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इनमें आप ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे की प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं, अगर जेसन रॉय एक डिफरेंशियल पिक का पार्ट हो सकते हैं, मोस्टली बहुत सारे लोगों ने इनको ड्रॉप किया होगा, लेकिन इस मैच में अगर खेल जाते हैं तो बहुत ही डिफरेंशियल पिक का पार्ट हो सकते हैं हमारे, तो ये आप इन्हें एक टीम में ज़रूर ट्राई करना अगर आप मल्टीपल लीग्स ज्वाइन करते हो। लेकिन आप सेफ टीम एक ही टीम के साथ जाते हो, तो आप सेफ टीम जा रहे हो तो जेसन रॉय को आप पिक मत करना, लेकिन आप एक डिफरेंशियल पिक की तरह अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से जॉनी बेस्ट्रॉफ आ जाएंगे, फिर एलेक्स हेल्स है, जो रूट है, ई मॉर्गन है, जॉस बटलर है, मोनली है, डेविड विली है, लैम पेंकवुड, अलद राशिद, ऑलमोस्ट सारी टीम सारे के सारे प्लेयर्स के नाम ले लिए मैंने, तो आप इनमें से आप पिक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, यहाँ से आपको मिल जाएंगे ट्रेविस हेड है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोनिस, एरन फिंच है, एश्टन एगर है, फिर यहाँ से एंड्रू ट्राई, केल रिकार्डसन और बेन स्टैनकेट, बिली स्टैनकेट, तो ये सारे ऑप्शन है यहाँ से की प्लेयर्स हैं मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन ऑप्शंस आपको कहाँ पे क्या कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेविस हेड है, जॉनी बेस्ट्रॉफ को रख सकते हो, मार्कस स्टोनिस है, जो रूट है, फिर एरन फिंच है, मोहन अली है, ग्लेन मैक्सवेल है, अलद राशिद है, ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ रखना भूल गया हूँ, और एक नाम आ जाएगा यहाँ पे ई मॉर्गन, तो ये भी एक बड़ी बढ़िया ऑप्शन है, तो आप इन्हें आप पिक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम एक और एक इम्पॉर्टेंट स्टैट्स की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे आपको हमेशा मैं बता देता हूँ कि ये पिच इंग्लिश ओडीडी कप्स में खेल चुके हैं, तो फिर ये पिच पे पेसर्स ज़्यादा चले या फिर स्पिनर्स, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये अगर जो नए हैं तो जिनको पता नहीं है उनके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा हुआ है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे पेसर्स जो फर्स्ट इनिंग्स होती है तब उन्होंने 9 विकेट्स लिए थे, और स्पिनर्स ने जब फर्स्ट इनिंग हुई थी तब 1 विकेट लिए थे, और यहाँ पे जब स्पिनर सेकेंड इनिंग्स में 1 विकेट पेसर्स ने और 1 विकेट स्पिनर ने, तो ऐसे मैंने लिखा हुआ है। तो आप बाकी दो मैचेस का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पेसर्स ने 3 विकेट लिए, यहाँ पे स्पिनर्स ने भी 3 विकेट्स लिए, फिर सेकेंड इनिंग्स में 3 विकेट यहाँ से आए और फिर 6 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए, तो आप देख सकते हो दोनों भी इक्वल रखने जैसा है। और फिर यहाँ से बात कर लेते हैं पेसर्स ने 6 विकेट्स लिए, फिर यहाँ से हम सेकेंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट लिए स्पिनर्स ने, फिर सेकेंड इनिंग्स में पेसर्स ने 4 विकेट लिए और यहाँ से 0 विकेट्स आए, तो यहाँ पे रेशो बनता है 29:11 का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप एक स्पिनर्स को ज़रूर रखिएगा, अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मोहन अली तो है ही जो, और एक अलद राशिद है आपके पास ऑप्शन, तो ये सारे दोनों ऑप्शंस बढ़िया है, तो आप इन दोनों में से दोनों भी चाहो तो दोनों रख सकते हो। अलद राशिद भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उन स्पिनर्स में आप उनके पास एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उन्हें पिक कर सकते हो। अब पेसर्स में आपके पास बहुत ही वराइटीज़ है, तो आप किसी के साथ भी आप जा सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन की तरफ से, होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो पहले प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारी इन्फॉर्मेशन को क्लिक करने में। तो चलिए ड्रीम इलेवन टीम की तरफ, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने एक टीम बनाई है आपके लिए, तो आपको आपके हिसाब से आप
टीम चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आप मेरी टीम के साथ ही जाए 100%। आप अपने हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में मैंने आपको की प्लेयर्स के बारे में बता दिया, बोलर्स के बारे में स्टोरी बोर्ड स्टैट्स दे दिए, तो आपको हेल्प मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएंगे कौन से आपको पिक करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और अपने हिसाब से टीम बनाइए। तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, जॉस बटलर और टीम, तो दोनों में से आपके पास बढ़िया ऑप्शन है, दोनों भी आप दोनों में से किसी के साथ भी आप जा सकते हो। मैं यहाँ पे गया हूँ जॉस बटलर के साथ भी। यहाँ पे बैट्समैन के पास मेरे पास है, मैंने यहाँ से पिक किया हुआ जो रूट को, एरन फिंच को, फिर ई मॉर्गन को पिक किया हुआ, और साथ ही साथ में मैंने यहाँ से पिक किया हुआ ग्लेन मैक्सवेल को। तो अगर आप चाहते हो तो आप जा सकते हो, शॉन मार्श के साथ भी आप जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं इंग्लैंड के सामने। फिर यहाँ से आप जा सकते हो जॉनी बेस्ट्रो के साथ, एलेक्स हिल्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, फिर जसन रॉय ने इतना सा परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है तो ये थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं पिक करने में, खेलेंगे तो ज़रूर। फिर डार्सी शॉट भी थोड़े रिस्की हो सकते हैं, ये खेलते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, बाकी दोनों भी रिस्की है। तो अब बात कर लेते हैं मैंने ऑलराउंडर सेक्शन में से, मैंने लिया हुआ है मार्कस स्टोनिस को, फिर यहाँ से लिया हुआ है मोहन अली को, और यहाँ से डेविड विली को। तो ये तीन ऑप्शन है, अगर आप जाना चाहते हो ट्रेविस हेड के साथ आप जा सकते हो जो ओपन करेंगे, और अस्टन अगर स्पिन गेंदबाज है तो अपने आप पिक कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है दोनों में, तो आप इनके साथ भी आप जा सकते हो, वरना फिर आप डेविड विली को ड्रॉप कीजिए और यहाँ से आप एक बैट्समैन ले सकते हो जो शॉन मार्श है। तो ये भी एक ऑप्शन, आप एक टीम में आप ऐसा भी कुछ ट्राई कर सकते हो जहाँ पर आपको मिल जाएंगे पांच बैट्समैन, फिर यहाँ से दो ऑलराउंडर और फिर यहाँ से तीन बॉलर्स, तो ये भी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बॉलर सेक्शन में से, मैंने यहाँ से लिया हुआ एंड्रू ट्राई को, फिर यहाँ से लैम पैंकविट को, फिर यहाँ से माइकल नेसर। तो ये तीन मैंने बढ़िया ऑप्शंस में यहाँ से पिक किए हुए, तो और अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से ये तीनों भी आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। फिर यहाँ से आपके पास ऑप्शन है मार्क वुड का, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बिली स्टैंकेट भी एक अच्छे खासा ऑप्शन है, फिर केन रिकार्सन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, फिर अल्द्राशेद एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से आप मल्टीपल लीग्स में आप धीरे धीरे एक एक जन को ट्राई कर सकते हो। तो ये थी मेरी टीम, ऐसे मैंने रखा हुआ है मार्कस स्टोनिस को कैप्टन, और मेरे हिसाब से आज नेक्स्ट गेम में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और साथ ही साथ में फास्ट बॉलर भी है तो हेल्प भी है, और साथ ही साथ में अगर बैटिंग में अगर 40-50 रन भी मार जाते हैं तो अच्छी खासी अपने को पॉइंट्स देके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन, मैंने यहाँ पे कैप्टन रखा हुआ है ई मॉर्गन को, लेकिन आप रख सकते हो जो रूट को साथ में, सॉरी जो रूट रखा था मैंने, अब मैंने यहाँ पे जो रूट को वाइस कैप्टन रखा हुआ है, आप जा सकते हो ई मॉर्गन के साथ भी। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सी सारी मल्टीपल लीग्स में आपको कौन से रख सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। जो रूट अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, ई मॉर्गन है, ग्लेन मैक्सवेल है, एरन फिंच है, फिर यहाँ से आप जा सकते हो मोहन अली के साथ भी आप जा सकते हो, लैम्प पैंकवर्ड के साथ, और मार्कस स्टोनिस के साथ जा सकते हो। लैम्प पैंकवर्ड के साथ जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बॉलर्स बहुत ही नीचे की तरफ बैटिंग करने आ गए, बैटिंग मिले ना मिले कोई चांसेस नहीं बनता यहाँ पे, तो उस वजह से बॉलर्स के बेसिस पर आप वाइस कैप्टन मत बनाना। तो ऑलराउंडर्स के ऑप्शन या फिर बैट्समैन की तरफ से आप इनमें से आप पिक करोगे तो भी चलेगा, कुछ हटके करना चाहते हो तो बॉलर्स में आपके पास ऑप्शन है। तो डेविड मोहन अली के साथ आप जा सकते हो, डेविड विली है, मार्कस स्टोनिस है, ग्लेन मैक्सवेल, एरन फिंच, जे मॉर्गन, जो रूट, ये सारे आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इनके साथ आप जा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कीजिएगा, और बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।